हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का समय है, सुबह के 7:30 हो रहे हैं। छवि चली गई है नहाने के लिए, रुपेश यहीं पे पास में ही है, मेरा रिकॉर्डिंग कर रहा है। और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि मुझे जाना है बच्चों के पीटीएम में। आज बच्चों के स्कूल में पीटीएम है, तो मुझे वहीं जाना है। तो मैंने सोचा कि पहले नाश्ता बना देती हूँ, बच्चों को करा दूँगी, उसके बाद फिर जब पीटीएम से आऊँगी तब फिर खाना बनाऊँगी, मतलब दोपहर का लंच बनाऊँगी। तो मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने पहले मैक्रोनी को उबाल करके रख लिया है, और अभी मैंने प्याज को भून लिया और इसमें टमाटर डाल दिया है और गरम मसाला, हल्दी, नमक, बस यही डाल देती हूँ। सिंपल बनाती हूँ, ज़्यादा जैसे कि बाज़ार में मिलता है उस टाइप का नहीं, बस सिंपल सा बना लेती हूँ। ऐसे मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। और मुझे लग रहा है कि मैं इसको डेढ़ साल से बिल्कुल नहीं बनाई हूँ, क्योंकि आप मेरा ब्लॉग देख सकते हो, पीछे का ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरे ब्लॉग में कभी भी आप मतलब ये क्या कहते हैं मैक्रोनी नहीं आप लोग देखे होंगे। तो इसीलिए बस ऐसे ही सिंपल बना ले रही हूँ। तो अभी देखिए टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो इसमें मैंने मैक्रोनी डाल दिया है। बार बार मेरे मुंह से मंचूरियन आ रहा है, तो मैंने मैक्रोनी डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी और मैक्रोनी जो है वो रेडी हो गई है। फिर मैं चली गई थी वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगाने के लिए, क्योंकि सुबह में अगर लगा दूँगी, जब तक मैं आऊँगी पीटीएम से तब तक कपड़ा जो है वॉश हो जाएगा, फिर छत पर डाल दूँगी। हमारे यहाँ का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है कि 12-1 बजे तक तो धूप रह रही है, उसके बाद से बदरी हो जा रही है। तो कपड़े जल्दी अगर सुबह मैं छत पर डाल दूँगी तो सूख जाएगा अच्छे से। तो अभी देखिए छवि नहा के आ गई है, मैं मैक्रोनी उसे दे देती हूँ, वो खा लेगी। और रुपेश जब जाएगा नहा के आएगा तो उसे भी दे दूँगी। तो अभी मैं सारे एक एक कपड़े को मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कुछ हो, जैसे पैसे हो या पेन हो या कोई कागज़ हो, उससे मशीन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही कमेंट कर दीजिएगा और बिग लाइक दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग लेके आती हूँ आप सभी के लिए, आप सभी के मनोरंजन के लिए। हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और ये ब्लॉग बनाना इतना इजी नहीं होता है जितना इजी देखने में लगता है। ये 6 मिनट का एडिट करने के बाद ज़रूर होता है, लेकिन इसको पूरा ये बहुत 30 मिनट का, 20 मिनट का ऐसे बनता है। हम लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तब जाके एक ब्लॉग रेडी होता है। तो प्लीज़ हमारी जो मेहनत है उसको जाया मत जाने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करिए। अगर हमें सब्सक्राइब कर रखे हैं तो हमारे वीडियो को फुल वॉच किया करिए, ताकि हमें हम लोग जल्दी से मोनेटाइज हमारा चैनल हो जाए। तो चलिए अभी देखिए मैंने मशीन भी सेट कर दिया है, और मैंने जब मशीन का बटन दबा रही थी तो पता चला कि लाइट ही नहीं है, तो स्टार्ट करके बस छोड़ दी थी कि चलो ठीक है, जब लाइट आएगा तो अपना ये चलने लगेगा। तब तक मैं भी नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं अपने हेयर को कॉम्ब कर ले रही हूँ, क्योंकि गीला बाल है, मुझे जाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, वरना मैं अभी अपने बाल में तौलिया रखती और आप देख सकते हो बाल कितना गीला है। फिर मैंने पूजा किया, उसके बाद पीटीएम में चली गई। मॉर्निंग, राधे राधे, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी देखिए मैं नहा चुकी हूँ, बच्चों को नाश्ता करा दिया है मैक्रोनी से, और अभी जा रही हूँ बच्चों के स्कूल। आज बच्चों का पीटीएम है तो अटेंड करके आती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। और जब मैं पीटीएम से आई तो बस 4 मिनट का और रह गया था, मतलब वॉशिंग मशीन में जो मिनट छपता है ना, वो 4 मिनट का ही रह गया था कि 4 मिनट में कपड़े वॉश हो जाएंगे। तो फिर सारे कपड़े लेकर छत पे चली गई उन्हें फैलाने के लिए। आप देख सकते हो धूप उतना कड़ा नहीं है, बारिश भी नहीं हो रही है, धूप भी कड़ा नहीं निकल रहा है, बस ये है कि मौसम थोड़ा अच्छा है अभी, और पर बारिश हो जाती तो थोड़ा और अच्छा हो जाता। तो मैं सारे कपड़ों को फैला लेती हूँ, और संडे है तो ज़्यादा कपड़े निकल ही जाते हैं, जैसे बच्चों के 2-2 ड्रेस, मतलब रुपेश के 2 ड्रेस, छवि के 2 ड्रेस, और हस्बैंड का शर्ट पैंट हो जाता है, कुछ मेरे कपड़े, कुछ जो बच्चे डेली पहने रहते हैं वो सारे कपड़े हो जाते हैं। तो कुल मिला जुला कर संडे के दिन काफ़ी कपड़े हो ही जाते हैं। फिर तुरंत छत से आई, उसके बाद तुरंत सब्जी कट करने लगी, और इतना भागा दौड़ी हो जाता है ना संडे के दिन कि बिल्कुल खुद के लिए फुर्सत ही नहीं मिलता है। मुझे संडे पसंद नहीं है कि, पर क्या करूं, बच्चे घर पे रहते हैं वो अब पसंद है, पर संडे नहीं पसंद है। संडे को मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो अभी देखिए हस्बैंड भी सो के उठ गए थे, रात को देर रात आए थे तो इसकी वजह से वो लेट सोए थे, 11 बजे तक वो सोए थे, तो लेट उठे तो बिस्तर भी मैंने लेट ही साफ़ किया। और अभी देखिए आलू बैंगन की भुजिया मैं बना दी हूँ, और रोटी एक तरफ सेक लेती हूँ। फुल रेसिपी शेयर नहीं की हूँ आज आप लोग के साथ, कभी शेयर करूँगी, पर ये सब्ज़ी बनी बहुत टेस्टी थी, सभी को बहुत पसंद आई। मेरे बच्चे बैंगन की सब्ज़ी खाते नहीं हैं,
पर ये सब्ज़ी वो लोग को बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। आप लोग भी ये रेसिपी सीख लीजिएगा। और मुझे भी बहुत अच्छी लगी सब्ज़ी, जब मैं खाना खाई तो मुझे लगा कि हाँ वाकई में जितना जल्दी बनाइए उतना जल्दी बन ही जाता है टेस्टी सब्ज़ी। और आ जाइए फ्रेंड्स, लंच मैंने लगा दिया है सभी के लिए एक ही थाली में। आज बच्चों का मन था कि मेरे साथ खाएंगे, तो मैं अपना, रुपेश, छवि तीनों लोग का लंच एक साथ लगा दी हूँ। हम तीनों ने एक ही थाली में आज लंच कर लिया है। और फिर उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद बच्चों का ड्रेस जो है वो प्रेस करके मैं देती जा रही हूँ, और रुपेश अपना अलमारी में रखता जा रहा है। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आप लोग को ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू फ्रेंड्स।